Good morning, dear students of class 4. I am Pooja Miss, your science teacher, and this is the crash course video of chapter 2. Crash course का मतलब क्या होता है कि किसी भी chapter को इस chapter को इस crash course में इस chapter को हम short में समझने की कोशिश करेंगे. क्या क्या main points है, क्या क्या valuable points है, क्या क्या important topics है, वो मैं इसमें short में समझाऊंगी. तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. इस वीडियो के लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो आप नोटबुक निकाल लो और फिर से इसको रिवाइज करो, नोट डाउन करना शुरू करो, रिमेम्बर करना शुरू करो. सो लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर नेम इज टीथ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, दांत और पाचन तंत्र. दांत का कनेक्शन पाचन तंत्र से क्यों है, इसको कोरिलेट क्यों किया गया है? क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो च्यू करने में कौन मदद करता है? टीथ. अगर हम फूड को च्यू नहीं कर पाएंगे तो अंदर तक नहीं जा पाएगा. क्या आप एक एप्पल को एक बार में खा लोगे विदाउट च्यू के? नो. तो टीथ का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में. डाइजेस्टिव सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले टीथ देख लेते हैं. टीथ हैज टू बाइट एंड च्यू फूड. टीथ का काम क्या है? टीथ की मदद से हम लोग फूड को काटते हैं, चिबाते हैं. इसके साथ इट हैज टू स्पीक स्माइल, गिव शेप टू आवर फेस एंड डाइजेस्ट फूड प्रॉपर्ली. इसके साथ ये हमें बोलने में मदद करता है, मुस्कुराने में मदद करता है, शेप देता है हमारे फेस को एक खूबसूरत सा, और फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करता है. ओके? तो टीथ का जो है सेट कितना होता है? दो सेट होता है. सबसे पहले जो सेट बच्चों को, कोई बॉर्न बेबी को निकलता है, वो मिल्क टीथ होता है, जिसको बेबी टीथ भी कहते हैं, जिसको टेम्पररी टीथ भी कहते हैं. तो ये सेट जो होता है 20th का सेट होता है. ये शुरू ग्रो करना कब शुरू करता है? जब बच्चे, छोटे बच्चे 6 months के हो जाते हैं. ओके? और कंप्लीट कब तक होता है? 2 से 3 साल तक के हो जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है मिल्क टीथ. उसके बाद एडल्ट टीथ निकलता है, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ भी कहते हैं. जब बच्चों का टीथ गिरना शुरू करता है, फॉल करना शुरू करता है 2 से 3 साल में, तो परमानेंट टीथ निकलता है, जो कि 32 टीथ का सेट होता है. ये 6 years तक में ग्रो करना शुरू करता है, क्योंकि पुराने दांत गिर जाते हैं, और कंप्लीट होता है लगभग 24 साल की उम्र तक पूरा दांत निकल जाता है. ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार. ओके? सो सबसे फर्स्ट इज इनसीजर जो होता है, इंसीजर टीथ. ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं. फ्रंट टीथ, इसको हम लोग फ्रंट टीथ भी बोलते हैं, आगे का दांत होता है ये. 4 इन ईच जॉ, हर एक जॉ में, ऊपर वाले जॉ जबड़े को बोलते हैं, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में टोटल 4 होता है, मतलब टोटल ये 8 होता है. इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ इंसीजर टीथ यू कैन कट द फूड, यू कैन चॉप द फूड. ओके? नाउ कैनाइंस, कैनाइंस जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, 2 in each जो, ये बहुत ही पॉइंटेड होता है ये टीथ. ये इंसीजर्स के बगल में होता है, इसकी मदद से हम लोग फूड को टियर कर पाते हैं, फाड़ पाते हैं. कुछ भी हम लोग खाते हैं अपन ही, तो उसको फाड़ने की मत, फाड़ते हैं किससे है? कैनाइंस के थ्रू. ठीक है? ये टोटल 4 होता है, 2 in each जो. नेक्स्ट प्रीमोलर्स, कैनाइंस के बगल में प्रीमोलर्स टीथ होता है, ये 4 होता है एक जॉ में, टोटल 8 होते हैं. इसकी मदद से हम लोग खुद को क्रश कर पाते हैं या ग्राइंड कर पाते हैं, बहुत महीन बना देते हैं खुद को. ठीक है? नाउ मोलर्स, टोटल मोलर्स कितने होते हैं? 12. ये प्रीमोलर्स के बगल में होते हैं, सबसे कॉर्नर का टीथ आपका जो होता है, इसकी मदद से हम लोग फूड को इतना महीन बना देते हैं कि ये पेस्ट की तरह, हमारा फूड जो होता है वो पेस्ट की तरह बन जाता है. ठीक है? मोलर्स बहुत वाइडर और स्ट्रॉन्गर होते हैं प्रीमोलर की कंपैरिजन में. नाउ पार्ट्स ऑफ अ टूथ, टूथ का पार्ट्स
तो ये देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने शो किया है, सबसे ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, इनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट होता है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होता है और इसके नीचे जस्ट आइए तो देखिए डेंटाइन है, डेंटीन है। डेंटीन का क्या काम होता है, ये इनेमल की तरह नहीं होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव, इससे ही हमें सेंसिटिविटी का एहसास होता है, ठंडा गर्म कुछ भी हम खाते हैं तो झनझनाहट होती है, तो इसी से एहसास होता है। उसके नीचे पल, ये बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है और ये इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कहलाता है, ठीक है। इसके नीचे पल्प जो होता है, पल्प के नीचे ही नर्व्स होते हैं, बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके कारण ही नर्व्स ब्लड वेसल्स के कारण ही हमें एहसास भी हो पाता है कि कहाँ ठंडा लग रहा है, कहाँ गर्म लग रहा है, कहाँ दर्द कर रहा है, ये सब कुछ फीलिंग नर्व्स और ब्लड वेसल्स के कारण ही हो पाता है। नर्व्स और ब्लड वेसल्स काम कर रहे हैं तभी आपका टीथ जिंदा है ये पता चल सकता है, नहीं तो आपका टीथ वर्क नहीं कर रहा है ये पता नहीं चल पाएगा। तो अगर आपका टीथ निकल गया लेकिन अंदर की आपके नर्व्स वर्किंग है तो आप नए टीथ भी लगवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इधर आप देखिए गम का है, साइन इंडिकेट किया हुआ, गम जो है ये मसूर को बोलते हैं, ये पूरे टीथ को जो है जकड़ा हुआ रहता है, जो आप रेडिस सब्टांस होता है, रेडिस रेडिस दिखता है ना वो ऊपर से, वो कहलाता है गम, जिसको हम लोग मसूर कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गली पकड़ा होता है टूथ को, ठीक है। इसके अलावा हमें टीथ का केयर करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए दो बार ब्रेकफास्ट के पहले और बेड टाइम में भी, सोने के समय में भी, ठीक है। और ब्रश को प्रॉपरली करना चाहिए, नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिए और हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रश हमें पूरे माउथ में घुमाते हुए, पूरे दांत में घुमाते हुए, एक भी टिथ बच ना जाए, अच्छे से करना चाहिए। बहुत टाइम लगा के भी ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनेमल जो होते हैं वो घिस जाते हैं। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मसूरों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, आराम आराम से ब्रश करना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 minutes हमें अपना स्पेंड करना चाहिए ब्रश करते वक्त, ब्रशिंग करते वक्त, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो टूथब्रश है उनका ब्रिसल सॉफ्ट है या नहीं, हेयर जो ब्रश टूथब्रश का जो हेयर होता है ना वो सॉफ्ट है या नहीं, अगर वो सॉफ्ट नहीं है तो आपके मसूरों को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी फूड तो खाना ही चाहिए और हमें टीथ को प्लैक से बचाने के लिए, प्लैक क्या कहलाता है कि टीथ के ऊपर जो येलोइश सब्सटेंस हो जाता है, चिपक जाता है आपके दांत में, अगर आप माउथ को रिंस नहीं करोगे तो वो चिपक जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लैक। ये बैक्टीरिया से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है वो आपके दांत को खोखला तक कर सकता है, तो जो खोखला हो जाता है आपका दांत उसको क्या कहते हैं, कैविटी, होल हो जाता है आपके टीथ पर, दैट इज कॉल्ड कैविटी, ठीक है। इसके साथ आपको कैल्शियम युक्त भोजन लेना चाहिए ताकि आपके टीथ स्ट्रांग हो। उसके बाद आपको डेंटिस्ट के पास 6 to 12 months पे जाना ही चाहिए, ठीक है। ओके, क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पाचन तंत्र, तो सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और यही सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते बनाते हैं। तो हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबका कुछ स्पेसिफिक वर्क होता है। तो उससे पहले ये जानते कि डाइजेशन किसको कहते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच द फूड वी ईट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म दैट्स अ बॉडी कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड डाइजेशन। ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि डाइजेशन किसे कहते हैं, पचना किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा फूड बहुत ही छोटा पार्ट में बदल जाता है, बहुत ही महीन पार्ट में बदल जाता है, जिससे हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। जैसे कि अगर हम एक एप्पल ले लें तो हम एक एप्पल को अगर खा ले पूरा बिना चिबाए खा ले उसको, सीधा निकल पहली बात तो निकलेगा नहीं, तो क्या वो पूरा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं।
बॉडी कब उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? जब उसे हम चिबाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा, तब ब्लड के थ्रू वो पूरा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो वो हम अब देखेंगे थोड़े नेक्स्ट। टॉपिक हमारा क्या है? ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन सा ऑर्गन होता है? डाइजेशन जो शुरू होता है प्रोसेस, तो वो किस किस ऑर्गन से होके गुजरता है? तो सबसे पहले माउथ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें टीथ जो है वो फूड को च्यू करने में मदद करती है, और टंग जीभ जो है वो फूड पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। सलाइवा जिसको हम लोग लार बोलते हैं, ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है, एक पचाने वाला जूस होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। फूड को ये मॉइस्ट कर देता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है, ताकि हम लोग आसानी से निगल सकें। उसके बाद जो है आपका फूड कहाँ चला जाता है? एसोफेगस में, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ये ट्यूब की तरह होता है, और फूड पाइप से हमारा फूड कहाँ चला जाता है? स्टोमैक। स्टोमैक एक ऑर्गन, सैक लाइक ऑर्गन होता है, जो कि फूड को बहुत ही महीन पार्ट में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इसके बाद स्टोमैक से हमारा फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक यहाँ पे लीवर आपने देखा, लीवर का क्या रोल है? लीवर भी डाइजेस्टिव जूस निकालता है, जिसको जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ काम करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं वो टूट जाता है बहुत ही महीन पीस में, तो फिर ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजने का काम शुरू हो जाता है खून के थ्रू, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो पच नहीं पाता वो पार्ट, और ये वाटर के साथ मिलकर एक वेस्ट का निर्माण करती है, एक वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जिसको हम लोग फेसेस बोलते हैं। ये बनता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो चुका है। अब इसके साथ हमें खाने की कुछ अच्छी आदतों को भी अपनाना चाहिए, जैसे कि हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद भी अच्छे से धोना चाहिए, कभी भी खाने के समय बात नहीं करना चाहिए। आप लोग जो करते रहते हो, मैं मना करती हूँ ना क्लास में, छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए, जल्दी जल्दी पानी के साथ फूड को नहीं निगलना चाहिए, और उसके साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक है। और रफेज युक्त भोजन लेना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टूथ। आंसर: क्राउन एंड रूट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ टूथ। Crown, the part of the tooth of the gum is called crown. Enamel, hard covering over the crown of tooth. It is hardest substance of body. Dentine, the part underneath the enamel, sensitive to cold and heat. Pulp, the innermost part of the tooth. Root, the part inside the gum is called root. The question number 2. How can we keep the digestive system working well? Answer is: we should develop the following habits to help our digestive system working properly. First, wash hands properly with soap before and after eating. Never do any other work while eating. Take small bites. Eat slowly. Chewing the food properly before swallowing it. Have plenty of water. Include good amount of roughage to the diet. Third, what are the two sets of teeth humans have in a lifetime? Answer: human beings have two sets of teeth through their life. First, milk or baby teeth. Second, permanent or adult teeth. Hope you will all remember it. Till then, take care. Thank you.